अगर मैडम उनका कर दें क्या पता हमें वो हमारी है या नहीं है। बिल्कुल, ये 22/7 को ATM डकैती में भी फंसा था। क्राइम की अति है जी, अति है, हाँ जी, अति से भी अति है, क्योंकि इस तरह का हमने तो अपनी पूरी जिंदगी में देखा नहीं था कभी भी। दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, मैं मेनका देसवाल। आज आई हैं लखन मजरम में। पीछे हमने दिखाई थी वीडियो कि मनीष ग्रोवर जी से मिलने के लिए अंदर गए हैं और मिल के परिवारजन आए हैं। जानेंगे भाई क्या रहा, क्योंकि हर रोज जद्दोजहद कर रहा है परिवार जानने के लिए कि हिमांशु के साथ हुआ क्या है। और ये सवाल सिर्फ परिवार ही नहीं जानना चाहता, अब तो पूरा हरियाणा के साथ साथ पूरा देश ही जानना चाहता है। उसी क्रम में जानेंगे भी मंत्री जी से मिले हैं। देखो दुख हो है जब इतना फिर है। राम राम भाई, राम राम। अपना शुभ नाम भाई? संदीप बहन जी। आप क्या लगो हो हिमांशु? चाचा लगो हूं। चाचा लगो हूं। तो भाई परसों आप SP साहब से मिले हो, हाँ जी। कल आप दुष्यंत चौटाला जी से हाँ मिले जी, हो, हाँ जी। और आज आप मनीष ग्रोवर जी। क्यों इतने चक्कर काटने पड़ रहे? चक्कर तो जी काटने पड़े हमने ये पता करने में हमारे लड़के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ और इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि अभी तक ना तो इंसाफ मिला ना हमको पूरी स्टोरी के बारे में पता है। अभी तक भी नहीं पता, कुछ पता नहीं है जी। एक महीने से ऊपर हो गया अब तक कुछ। प्रशासन क्या कह रहा है गिरफ्तारी, जबकि वो दिखा रहे हैं राहुल जी? हाँ जी, वो दिखा रहे हैं जी राहुल की और उसके फादर की गिरफ्तारी दे रहे हैं, लेकिन हाँ जी दिखा रहे हैं। ये नहीं पता जी हमको। अच्छा, बताया नहीं? नहीं जी, अब बोल रहे हैं कि भाई गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हमको नहीं पता इस बारे में। नहीं जी, तो यही है जी, देखो अब क्या करता है प्रशासन, प्रशासन के हाथ में। मनीष ग्रोवर जी से आपकी बात हुई है, क्या बातें हुई? वो तो नहीं, वो तो यही है जी, उनसे मिले थे कि भी हम इंसाफ दिलवाओ, तो उन्होंने बोला, पूरा आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे रात ही रात को बुला लेना, मैं उसी टाइम आ जाऊंगा। अच्छा, इस केस में आप क्या मानोगे, ये एक नॉर्मल केस है या फिर समाज के जो क्राइम था अटका बहुत कही करा ना, एक विशेष उसमें है ना स्पेशल प्रकार का? हाँ जी, ये तो एक क्राइम की अति है जी, अति है, हाँ जी, अति से भी अति है, क्योंकि इस तरह का हमने तो अपनी पूरी जिंदगी में देखा नहीं था कभी भी। 23 दिन में मतलब बॉडी की कंकाल भी नहीं रहा जी, हड्डियां बन गई, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से। तो आपने क्या लगा, आप चाचा हो जी, ये जो हड्डियां है नॉर्मल तरीके से बनी है, ये अगर हिमांशु की है या ये हिमांशु की है ही नहीं? देखो जी, नॉर्मल तरीके से तो बनी नहीं सकती पहली बात, और दूसरा सवाल ये भी है जी, शायद मतलब ना भी हो ये प्लांट की गई या इनमें भी कोई साजिश हो, ये तो जी पूरा केस खुलेगा तभी पता लगेगा। DNA की बात हो रही थी भाई? DNA लगभग एक हफ्ता हो गया होगा उन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो क्या रिपोर्ट आई है जी? कुछ रिपोर्ट नहीं आई, DNA का सैंपल तो हो लिया है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये बोल रहे हैं जी, सुनने में आई कि भाई 2-3 महीने लगते हैं, लेकिन SP साहब बोल रहे थे भाई 4-5 दिन में, हफ्ते में जल्दी से जल्दी करवाएंगे। तो यही गुजारिश है जी प्रशासन से, भाई जल्द करवाएं वो। SP साहब से बात हुई, यो पूछो सर इसका पीछे कारण के, एक मर्डर का कारण हो, एक मौत का कारण हो, हत्या का कारण हो, अभी पीछे हत्या करने का यू कारण है, क्या वो बातें निकल कर सामने आई हत्या कारण के? नहीं जी, कोई बात नहीं निकल आई अभी तक सामने, अभी तक ना जी, अभी तक जो बयान आ रहे हैं सामी की, राहुल ने कबूल लिया कि सिर्फ नॉर्मल लड़ाई हुई थी उसमें कर दिया, क्या आपने ऐसा लगा कि इस पर? ना जी, नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्मल लड़ाई जी मान लो किसी की भी हो जाए तो हत्या तक बात नहीं जाएगी जी, घर पे जाएगा बंदा या बीमार पिटाई नॉर्मल हो जाएगी, हत्या तो बहुत बड़ा जुल्म है जी। और राहुल से तो तगड़ा है अपने वाला लड़का, लंबा तगड़ा, लेकिन उससे तो काबू में नहीं आ रही, अकेला नहीं मार सकता। हम मान लेते हैं बात की हत्या कर दी इसने, हाँ जी भाई, अंधा कर दे है कोई पीछे, हाँ जी कर दे मान गए, तो जहां बॉडी डाली गई है क्या वास्तव में वहां बॉडी थी, कोई स्मेल इस प्रकार? ना जी ना, ना जी, हम तो देखो जो खेत वाले हैं उन्हीं का बयान है कि भाई यहाँ कोई तो स्मेल नहीं थी, और न यहाँ पे बाइक थी, न यहाँ पे कोई कुछ था, कहीं भी कोई जंगली, जो खेत वाले हैं उन्हीं का बयान है कि भाई यहाँ कोई तो स्मेल नहीं थी, और न यहाँ पे बाइक थी, न यहाँ पे कोई कुछ था, कहीं भी कोई जंगली जानवर भी नहीं दिखा यहाँ पे, कभी कुत्ता भी, हाँ जी कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, हाँ जी। उससे थोड़ा आगे एक बिल्ली मरी पड़ी है जी, उसकी बहुत ज्यादा बदबू उठ रही है, तो मान लो इंसान की डेड बॉडी तो इतनी बदबू मारेगी बहुत ज्यादा, बिल्ली वाली लोगों ने आ रही है उसकी आ नहीं रही, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, जो हड्डियां के ये 23 टुकड़े हुए हैं, हाँ जिसमें कुछ हड्डियां मिसिंग भी है, हाँ जी, तो क्या लगा है 23 दिन में ये टुकड़े? नहीं जी, एक बात तो या कुछ ऐसा उसका कि और भी क्राइम हो? हाँ जी, और भी क्राइम हो उसका है, क्या पता जी क्या कर रहे हैं? बैकग्राउंड लड़के का कैसा है? ये क्रिमिनल है जी, ये 22/7 को ATM डकैती में भी फंसा था। अच्छा। यही थाना लखन माजरा में, तो ऐसे ने बगैर केस बनाए छोड़ दिया वो। ये बातें कब निकल कर सामने आई? ये जी पहले इस पता है गांव ने, तो गांव ने पता, हाँ जी हमने सारा पता है इस बात का, अब भाई ये ATM पड़ता मिला था, उसके औजार भी मिले थे,
ये भाई साहब हैं, ये कुछ और भी बात करना चाहते हैं। भाई इस लड़के का बैकग्राउंड कैसा है? मैडम ये पहले तो एटीएम के उसमें था और उससे पहले इन्होंने अपनी चाची भी रोकी थी। इस लड़के ने? हाँ, ये इसकी दादी थी शायद इस लड़के की, इसका पूरा परिवार ने रोकी थी। अब हमारी टूम खुरी है, टूम आ गया यहाँ पर। मतलब हर बार जो ये क्राइम करा उसका पीछे ये पूरा परिवार था। हाँ पूरा परिवार, हाँ हाँ पूरा परिवार था उसमें। तो क्या पीछे कोई कार्रवाई हुई? नहीं कुछ कार्रवाई नहीं हुई मैडम। आप लगा है इस केस में, जिस केस में ये पकड़ा गया इसमें प्रॉपर कार्रवाई हुई मैडम? अभी तक तो देखो कुछ होया नहीं है। मान ले अगर प्रॉपर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आने वाला टाइम में ये लड़के का कैसा चरित्र बना? मैडम फिर तो ये गैंगस्टर बन जाएगा। अगर अब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर इसके दिल खुल जाएगा, फिर कुछ भी कर सकता है। क्या समाज में क्या इम्पैक्ट जाओगे मैडम इसमें? तो फिर गलती हो जाओगा भाई। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती, अगर यहाँ हो जाए तो ये दब भी जाओगा, नहीं हुई तो फिर गलती करेगा वो। पीछे भी बता रहे हो आपके कई केसेस आए हैं। हाँ। मनीष ग्रोवर जी ने क्या कहा आज? उन्होंने कहा था ठीक है कार्रवाई करवाएं, जब भी कहोगे जब भी तरह तरह गिल कार्रवाई। एक मतलब इंसाफ की बात करें प्रॉपर उसमें एक लैंग्वेज में, तो किस प्रकार का इंसाफ चाहो? दो शब्द मैडम हम ये चाहूँ, हमने ये पता लगा क्यों हुआ, इसका रीजन क्या था? क्या आप ये चाहो कि आमो शमी बैठ का बात हो पूछो, क्या परिवार की सी बात हो यह उस तभी पूछो ना? ऐसी कोई बात नहीं, आप चाहो हो उस तो पूछना कि मैडम देखो पहले तो प्रशासन करेगा ये, वो उस प्रशासन ने ये बताना चाहिए कैसे हुआ, करया क्यों इसने और कहाँ करया, और अगर है तो वो बॉडी कहाँ है? यदि पूरी बॉडी तो उसने कर दिया तो बॉडी कहाँ है? जी जी जी। और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था? जैसा कि लड़का खुद ही कबूल कर रहा है कि मन ने करे, आपने क्या लगा? मैडम वो तो नाबालिग है, नाबालिग है कि भाई थोड़े दिन में छूट जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड हो गया भाई केस पूरा। अब मन उड़ लिया और मैं छूट जाऊंगा बिल्कुल। अच्छा हरियाणा में हर रोज देखने को मिल रहे हैं दोस्त दोस्त के साथ बैठ कर कुछ खावा पार्टी कर, हर चार दिन पाछे ये काम हो जाए हैं। अगर बढ़िया कार्रवाई ना हो तो यू मॉल किस तरफ जाना? मैडम फिर तो देश गर्क में जाना लग रहा है। अगर कार्रवाई हो जाए है तो ये सबको सबक मिलेगा, तन्ने अगर गलत कर दिया तो इसकी डाल तन्ने भी सजा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में क्या कहना चाहोगे दर्शकों? मैं ये कहना चाहूँ मैडम देखो हमने इंसाफ मिलना चाहिए, आगे ऐसा क्राइम ना हो कहीं भी। अच्छा अंतिम संस्कार की बात कहाँ तक पहुँची मैडम? अंतिम संस्कार करा किस चीज़ का? जो कुछ है ही नहीं, नहीं वो 23 हड्डी मैडम उनका क्या है, वो ये भी नहीं, वो तो उनके पास है, वो डीएनए के पास है। लेकिन अगर मैडम उनका है, वो डीएनए के पास है, लेकिन अगर मैडम उनका कर दें क्या पता हमें वो हमारी है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो तो इतनी पुरानी है, वो साल भर पुरानी लगे हैं। क्या ऐसा लगा है कि कुछ और भी हो उसके? बिल्कुल हो उसका है मैडम। देखो ये अगर ये हमारी नहीं है तो ये किसी की ना किसी की तो होंगी, तो वो भी क्राइम कर रखे उसने तो कहीं क्राइम निकल कर शामिल। बिल्कुल फिर और भी आओगे मैडम, जब उसने कर रखा है ये कहाँ से लाए हैं ये? भाई देखो बात बहुत नहीं कोई कर रहा, पेचीदा होंगी जान लग रही है, कई तरह के आरोप लगने लग रहे हैं, गिरफ्तारी की बात हो रही है, जहाँ तक वो पिता की गिरफ्तारी की अब बात निकल कर शामी आई है। आप क्या कहना चाहोगे? मैं एक सवाल वही बार बार पूछ रही हूँ जो जनता मांग रही है कि हत्या का कारण क्या लगा है भाई, क्या आपका शामी आया है? यही तो कुछ नहीं आया ना, यही बातें आप जानने के लिए, यही तो हम ये बताओ क्यों हुआ, यही जानना चाह रहे हैं जी, इसका पता नहीं लग रहा है। जिस दिन ये आपने लगा भाई छोटी मोटी बात कारण इतना बड़ा? नहीं जी नहीं हो सकता इतना बड़ा काम, इसके पीछे तो जी कोई बड़ा रैकेट भी लगा जी। ये चार बंदे तो हैं ही हैं, बंदे और भी हो सकते हैं, तो वो प्रशासन से गुजारिश है जल्द से जल्द सोल्व करें इसको। बिल्कुल। और जी डीएनए रिपोर्ट दिलवाए ताकि हम विदा संस्कार कर सके अगर हमारा है तो। सारे सवाल लगभग मैंने कर लिए हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना कि ऐसा क्या कारण है जिस कारण आपने लगा कि इन दोनों दोस्तों में ऐसा कुछ होया है और इस लड़के की हत्या हुई है। अब भी परिवार जानना चाहे कि ये हड्डियां मानशु की हैं या किसी और की हैं। मन्ने दो इजाजत। जय हिंद जय हरियाणा।